आशु भैया, आज बहुत दुखद अवसर है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं, कोई भूमिका नहीं बांध रहे हैं। आज निश्चय ही भजन गायकी से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, दुख भरी खबर है कि प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल अब हमारे मध्य नहीं रहे हैं। वास्तव में हमारा हृदय ही जानता है अशु भैया कि ये शब्द हमने आपसे किस तरह कहे हैं और आपने किस तरह सहे हैं, ये आप ही जानते होंगे, मुझे नहीं पता। अब आगे हम आप ही को सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जय माता की योगेश्वरी जी। जय माता की जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में केवल एक ही नाम आता है, भजन सम्राट माता रानी के अटूट भक्त श्री नरेंद्र चंचल जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी वाणी में माँ के प्रति जो श्रद्धा भाव था, तमाम भजन गायक आए आज के इस दौर में, लेकिन उन्होंने जो माता के प्रति श्रद्धा से गुणगान किया, जो अपनी करुणा दिखाई, आवाज में जो उनके रस था, वो शायद ही अब किसी गायक के कंठ में होगा। जब ये पता लगा कि 12:30 बजे आदरणीय श्री नरेंद्र जी ने अंतिम सांस ली है, तो सारे कलाकार जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई, जिनको सुन सुन करके न जाने कितने कलाकार आज अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, माँ के प्रति गुणगान करते हैं, उनके शब्दों को सुनकर, उनके भजनों को सुनकर अपनी जिंदगी में माँ के प्रति एक विश्वास रखते हैं। आज वो नरेंद्र चंचल जी हमसे दूर चले गए हैं। सारी जिंदगी जिन्होंने केवल माँ और माँ को ही अपना आधार माना और उसी आधार को लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी तय की, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। लगता है माँ के चरणों में उनका स्थान हो गया है। जहाँ भी वो हैं, हम तो यही कहेंगे कि वो अपनी उस वाणी को किसी ना किसी रूप में हम तक पहुँचाते रहें। निश्चित उन्होंने गाया है, जो उन्होंने कह दिया वो युगों युगों तक अमर हो गया। हर कलाकार की आंखें आज नम हैं, श्रद्धा से भरपूर उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए अब शांत हो गई है। आशु भैया जी, दो शब्द तो उनके लिए श्रद्धांजलि के बतौर उनके ही, उन्होंने भजनों को बिल्कुल हम और आप गाते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं। उन्होंने माता रानी के चरणों में जो अपना स्थान पाया वो तो एक अलौकिक है, बिरलों को मिलता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे गीत भी गाए जिन्होंने उनकी गायकी के लिए का मिट छाप छोड़ी। एक गाना था, एक गीत था, मैं बेनाम हो गया, लेकिन वो बेनाम नहीं थे, उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। उन्होंने ये गीत गाकर सभी कलाकारों को, उस दौर के कलाकारों को, गायकों को चौंका दिया। सुपर डुपर हिट गीत जब उन्होंने गाया तो लोग वाह वाह के उठे। मुझे याद आ रहा है वो गीत, यारा हो यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाम, दे रहे है तुझे मेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया। ये गीत गाकर मेरी सांसें भर आई हैं, आंखें भर आई हैं, और वो गीत तो अमर है। चलो बुलाव आया है, माता ने बुलाया है, जब जब भगवती के दरबार में भक्त जाते हैं, ये गीत करोड़ों असंख्य लोगों की जबान पर होता है। ओ माय गॉड, चलो बुलावा
माता ने बुलाया है, लगता है माँ ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया है। हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र चंचल जी की वो रस भरी आवाज शांत हो गई है। बहुत बहुत नमन कलाकार जगत के सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा नमन श्री नरेंद्र चंचल जी को। हमारे साथ रहे हमारे साथी अश्वनी शर्मा जी, आशु भैया, जिन्हें आप सुनते ही रहते हैं। आपके पास भी वाणी का वही खजाना है जो नरेंद्र चंचल जी के पास था, और वे अपना खजाना अपने साथ नहीं लेकर गए हैं, हम पर लुटा कर गए हैं। तो इसलिए आज हमारा हृदय बहुत द्रवित है, हम कुछ अधिक कहना नहीं चाहते हैं। श्री नरेंद्र चंचल जी को बस टीटीआई न्यूज परिवार की ओर से अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और बाकी सभी लोग बहुत द्रवित हैं, और हम चाहते हैं कि इसका समापन भी उन्हें एक इस मध्य याद हो आई उनकी रचना को गुनगुनाते हुए आशु भैया ही करें। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया मेरी माती, ओ माता रानी पहाड़ा वाली मंदिरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली।